चार दिन में अगर कुछ होता है तो ठीक है, नहीं तो मैं इस मामले को बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी के पास लेके जाऊंगा। सर जिस तरीके से पुलिस आश्रित किया जा रहा है, एक बच्ची पर आत्महत्या प्रेम प्रसंग ऐसा मामला बोला जा रहा है, क्या देख रहे हैं, क्या कहना भैया? पीछे रहिए ना, अरे भैया पीछे रहिए, हमारा क्या कर रहे हैं आप लोग? अखिल बैठे हैं अभी लोग के लिए ना, थोड़ा पीछे रहिए, भैया जब आप सुने हैं तब तक पोस्ट डाले हैं, पोस्ट डालकर और रातों रात गाड़ी चला कर लखनऊ से यहाँ है। सुनिए जो दिल दहलाने वाली घटना घटी है जी, वो बहुत ही दुखद है जी। प्रशासन द्वारा समय मिला है, आप लोग धैर्य रखिए, सच सामने आएगा और हमारे परिवार को, हमारी बिटिया को, हमारी बहन को न्याय मिलेगा। आप भैया रातों रात चलकर आए हैं लखनऊ से, रात भर सफर किया है, खबर का खुलासा निकला है। मैंने एक बात बोला है जी, अब बोल रहा हूँ जी, काराकाट की माताओं का, हर एक माताओं का मैं बेटा हूँ, हर एक बहनों का मैं भाई हूँ। ये रात भर चलना क्या होता है? अपने परिवार के लिए जिंदगी भर चलना होगा तो मैं चलूंगा, नहीं दौड़ूंगा, जान भी देना होगा तो जान भी दे दूंगा। खबर ये क्या कहेंगे, पवन जी भरोसा है आपने जिस तरीके से लेट लतीफ किया जा रहा है, पवन जी ज्ञापन दिया जा रहा है, जिस तरीके से पुलिस कार्रवाई है क्या कहेंगे? संतोषजनक नहीं मिल रहा परिजनों को, सात दिन बाद आपको उम्मीद है? सात दिन बाद फिर हम लोग चले, सात दिन बाद हम लोग, अरे यार पीछे कर लो, चार दिन में अगर कुछ होता है तो ठीक है, नहीं तो मैं इस मामले को बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी के पास लेके जाऊंगा। स्वयं जाइएगा भैया। जी सर, आराम से निकालिए।
आप लोग ऐसे क्या कर रहे हैं, हमारा धक्का मार रहे हैं, धक्का मार रहे हैं हमारा। हो गया नहीं मार, इज्जत से बोल सकते हो, धक्का मत मारिए, माफी लोग के चलते आए हमारा, बिल्कुल माफी, अगर कोई आपको अगर कुछ हुआ उसके लिए धक्का मत मारिए, आराम से बोलिए, चलिए भीड़ लग गई है यहाँ पे, भीड़ को थोड़ा दिखाइए, पूरा भीड़ है यहाँ पे, इधर भी दिखाइए, कैमरामैन से जाऊंगा उधर, औरत सब लोग। अपवन सिंह इसी फ्लैट में है जो कि अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में है, उन्होंने बताया कि अगर जरूरत पड़ेगी तो हम मुख्यमंत्री जी के भी पास जाएंगे, पूरी तरीके से आप बोले हैं कि मतलब कि हम खरा उतरेंगे अपना, मतलब कि जो भी कार्रवाई होगी उसके लिए हर जगह जाएंगे, मतलब पूरी तरीके से सपोर्ट में श्रेया को इंसाफ दिलाने के लिए पवन सिंह ने बताया है। आप लोग क्या सोचते हैं, अपना राय जरूर दीजिएगा और श्रेया को इंसाफ दिलाने के लिए एक एक शेयर जरूर लगाइएगा कि पूरे भारतवर्ष में ये वीडियो जाए और सबको भी पता चल जाए।